दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि एक हाउसवाइफ किस तरह से अपने घर के कामों के साथ ऑनलाइन अर्निंग कर सकती है, वो भी पैसिव तरीके से और वो भी सही जगह पे, क्योंकि सही जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो आसान है वहाँ भीड़ बहुत है। वेलकम बैक टू माई चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्पेशल गेस्ट से मिलाने वाली हूँ। इनका भी एक यूट्यूब रेसिपी चैनल है और ये अपने चैनल पे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और कम समय में कैसे कोई रेसिपी को तैयार करते हैं, ये सारा कुछ बताती हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इनसे हम रसोई के और किचन के कुछ नए नए टिप्स सीखेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अपने इस चैनल रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मिलते हैं अपने स्पेशल गेस्ट अर्चना सिस से। तो दोस्तों, अब हमारे सामने आ गई हैं हमारी अर्चना सिस, मतलब ये हमारी भाभी हैं और इनका जो YouTube चैनल है वो रेसिपी का चैनल है। चैनल का नाम है अटपटी चटपटी। तो हम इनसे कुछ जानेंगे टिप्स और ट्रिक। तो भाभी, कैसी हैं आप और वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू अपने चैनल पे मुझे लाने के लिए। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, मुझे इनको लाने का मेन मोटो ये है कि बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जो मतलब न्यूली मैरिड हैं और उन्हें बहुत सारा जो किचन का वर्क होता है वो नहीं कर पाती हैं या करने में थोड़ी उलझने होती हैं। तो आप इनके चैनल को विजिट कीजिए। इनके चैनल में वो छोटी छोटी हर एक टिप्स और ट्रिक रहती है जिससे हमें फायदा होगा। अब आप बताइए भाभी कि आपने कैसे मतलब सोचा कि यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए या खाने के प्रति आपका इतना रुझान कैसे? जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले साल कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था। इसमें सभी लोग बहुत परेशान थे, कई लोग बिगनर्स थे जिनकी नई नई शादी हुई थी और फिर कुछ बच्चे हॉस्टल में फंस गए थे और कुछ भी नहीं आता था बनाना। तो बहुत मुश्किल घड़ी में मैंने सोचा कि क्यों ना रेसिपीज के चैनल मैं बनाऊं जिसमें कम सामान में और घर के ही रखे चीज से बच्चे कुछ बना लें और वो खा लें, बाहर का कुछ ना ला सकें। और बाहर का खाना भी बहुत हानिकारक था उस वक्त, तो बस मैंने बनाया। मतलब ऐसे समय में जब हमारा मतलब कि ये कोविड का टाइम था दोस्तों, और उस समय बहुत सारे जो बच्चे थे वो पीजी में भी फंस गए थे, वो घर नहीं जा पा रहे थे। बहुत सारी हमारी बहनें थी जिनकी नई नई शादी हुई थी और उन्हें आटा गूंथने तक नहीं आ रहा था। तो उस समय अटपटी चटपटी नाम का एक चैनल इन्होंने बनाया और उस चैनल में इन्होंने छोटी छोटी टिप्स बताई हैं कि आप कैसे अपने किचन के काम को बहुत इजी ढंग से कर सकते हैं। तो और भाभी, ये बताइए कि आपको मतलब कैसे लगा कि आप मतलब रेसिपी अच्छा बना लेती हैं और मतलब किसी ने कुछ बताया होगा आपको? हाँ, पहले एक बार इनकी एंगेजमेंट होने वाली थी और पहले तो था कि प्रोग्राम बाहर का ही था, लेकिन इनके घर वालों ने बोले कि घर भी आना चाहता हूँ, तो वो अचानक से घर आए। और हमारे घर में काफी लोग परेशान थे, मेरे ससुर जी बहुत परेशान थे कि कैसे मतलब अरेंज करें। तब मैंने सोचा, रात भर मैं भी परेशान थी, पर मॉर्निंग में मैंने बोला कि आप बस मुझे सामान कुछ चाहिए वो ला दीजिए, मैं घर में ही बना देती हूँ, सारा कुछ अरेंज कर देती हूँ। और मैंने खाना बनाया और सब लोगों ने काफी तारीफ की, तो मुझे लगा कि शायद मेरा खाना अच्छा बनता है। और मेरा जो भाई है और कभी कभी वो खाना बनाता है तो वो मुझसे ही पूछ के बनाता है, तो उसने भी मुझे बोला कि जब तुम मुझे बता सकती हो तो क्यों ना तुम इसके लिए एक चैनल बना लो, उस पे सभी लोग को फायदा हो। तो बस इसलिए मैंने डालना शुरू कर दिया और उसको मेरा खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भाभी हैं उनके वाइफ,
वो भी बहुत बोलती हैं कि दीदी आपका खाना बहुत अच्छा बनता है, आपने कैसे बनाया, क्या क्या डाला, तो हमेशा फोन पे वो पूछती हैं और जैसे मैं बनाती हूँ वो बनाती हैं। और ये विभाषिस भी मुझे बहुत इंसिस्ट की कि आप चैनल डालिए, ब्लॉग डालिए, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बोला, फिर मैंने ये बनाना शुरू कर दिया। एक्चुअली दोस्तों जब मतलब हमारी कॉलेजिंग थी, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय ये यूट्यूब इतना नहीं होता था, उस समय वो जो पेपर में आता था कि रेसिपी ऐसे ऐसे तैयार करना है। और मुझे आज भी याद है कि मैं कॉलेज में थी और भाभी घर में वही रेसिपी देख के वो पेपर की कटिंग से कुछ कुछ बनाती थी। और सही बात ये है कि बहुत लाजवाब और बहुत मतलब उस समय चीजें भी इतनी अवेलेबल नहीं होती थी। आज हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो हम नेट के थ्रू या हमारे किराने की दुकान में हर एक चीज अवेलेबल होता है। उस समय हमारे मतलब जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे कुछ कहती थी कि लेकर आओ और मैं लेकर आती थी, बहुत चीजें नहीं मिलती थी, फिर भी उन चीजों के बगैर भी इनकी जो रेसिपी थी वो अच्छी बनती थी और लोग तारीफ भी करते थे। तो इसलिए मैंने इनको बोला कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए और जिससे हमारी जो भी बहनें हैं उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, प्लीज दोस्तों आप लोग अटपटी चटपटी को भी विजिट कीजिए और अटपटी चटपटी के अलग अलग जो व्यंजन है, जो रेसिपी है, उसका आनंद उठाइए और उसे घर में बना के कमेंट करके जरूर बताइए कि उनका जो ये रेसिपी है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और एक समय की बात है जब हम लोग गए थे किसी की शादी में कोलकाता, तो वहां से सभी लोगों ने अपने मनपसंद की चीजें खरीदी, पर वहां से मैंने रेसिपीज के बुक उठाए और मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये मुझे चाहिए। वो प्लेटफॉर्म पे जो बुक स्टॉल होता है ना दोस्तों, वहां से भाभी ने एक रेसिपी बुक जो है वो परचेज किया था और वो रेसिपी बुक जो है हमारे घर में आज भी रखी हुई है और उसी से ये तरह तरह का व्यंजन बनाती थी और रोज कुछ नया बनता था, बहुत अच्छा भी लगता था। और हम छोटे थे, मतलब छोटे मींस कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन रोज आए कॉलेज से तो कुछ ना कुछ नया मिलता था। भाभी कुछ ट्राई कर रही है। और जब बना के नई चीज देते थे तो मेरे ससुर जी बहुत खुश होते थे और मुझे गिफ्ट भी मिलते थे। और एक बार याद है मुझे, मैंने कॉफी बनाया था वो झाग वाली और सबको बहुत पसंद आया था और उसमें मुझे मतलब पैसे मिले थे, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था। और वो झाग वाला कैसे बनाया था, मिक्सी में करके? मिक्सी ना? वो वीडियो भी मैं अभी अपने चैनल पे नहीं अपलोड की हूँ पर करूंगी। और मतलब वो बहुत अच्छा कॉफी बना था तो मुझे वो पैसे मिले थे। फिर उस पैसे से मैंने फिर वही बुक वगैरह खरीदती थी और सैटरडे के सैटरडे ना वो न्यूज पेपर आते थे तो उसमें से रेसिपीज के कुछ आते थे तो उसमें से मैं कट करके रख लेती थी और बाकी पेपर दे देती थी कि भाई काम कर लीजिए कोई भी। और उससे मैं अपने मतलब छोटे छोटे चीज को देखकर सीखकर और आज मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना लेती हूँ। और आप लोग जब देखेंगे तभी आपको भी पता चलेगा। कई बार तो मैं जब रेसिपीज बनाती थी तो मेरे सारे मेहनत बेकार चले जाते थे, कई बार मैं फेल हो जाती थी, अच्छा नहीं बनता था, कई बार मेरा जो रेसिपीज बनता था बहुत अच्छा बनता था तो मुझे खुशी होती थी, और जब खराब बनता था तो थोड़ा मन तो मतलब दुखी होता था कि इतना मैंने मेहनत किया, सामान भी पूरी वेस्ट हुई, लेकिन जब अच्छा बनने लगा तो मुझे बहुत खुशी होने लगा। और फिर इन्होंने मुझे बहुत बोला कि भाभी आप ना ब्लॉगिंग का चैनल बनाइए, फिर रेसिपीज कुछ डालिए, आप अच्छा बनाती हैं। और इनके हस्बैंड को भी मेरा खाना बहुत अच्छा लगता है। भाभी मेरा जो चैनल है इसमें मैं लोगों को जैसे मनी सेविंग के और मतलब इन्वेस्टिंग ये सब के बताती हूँ टिप्स, तो आप मुझे ये बताइए कि किचन के कुछ जो उसके होते हैं जैसे कि मतलब किचन में ऐसा हम क्या करें जिससे हमें बरकत मिले, ये सब चीजें कुछ टिप्स तो शेयर कीजिए। ऐसा है कुछ वो टोटके वगैरह तो मैं विश्वास नहीं रखती इसमें, लेकिन हाँ घर की महिलाओं को चाहिए कि वो सुबह ही उठे और भले ही आपके घर में बहुत सारे नौकर हैं काम करने वाले या मेड आती हो, फिर भी आप अपने हाथों से अपने घर में झाड़ू लगाइए और उसके बाद ही कुछ भी काम कीजिए। जैसे बहुत सारी महिलाएं आजकल समय कम की वजह से पहले किचन में जाती हैं और चाय बना लेती हैं, बाद में और काम करना है, नहीं आप कोशिश करिए। पहले तो जैसे हमारी मम्मी और
सासू माँ ने मुझे बोला था कि नहा के ही किचन में जाना चाहिए, लेकिन अब तो वो सब संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से कम झाड़ू महिलाओं को खुद से लगानी चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। और आप ऐसा करेंगे, आप देखिए, आप करते करते आप बहुत ही मतलब अच्छे उसमें आ जाएंगे कि आपके पास हर चीज होगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तो ये सब चीजें हैं। और जब रात में आजकल भाग दौड़ में लोग क्या करते हैं, किचन में बर्तन जूठा छोड़ देते हैं, छोड़ के और अपना वो सोने चले जाते हैं। लेकिन आप कितना भी बिजी रहिए तो किचन को क्लीन करके जूठे बर्तन को धो के तभी ही किचन से जाइए बेडरूम में, आपको बहुत बरकत मिलेगी। इसके साथ दोस्तों एक और चीज जो हमने भी बचपन से सीखा है कि जो चकला बेलना होता है उसको हम लोग जूठे में नहीं रखते थे। जब भी हम जैसे कि रोटी चपाती ये सब जब हमारा प्रिपेयर हो जाता था तो हम जो चकला बेलना है उसको पहले ही धो लेते थे और जूठे बर्तनों के साथ उसे टच नहीं होने देते थे। तो ये सब कुछ मम्मी बताती थी, वो सब हम करते थे। और जैसा भाभी ने आपको बताया कि हम टोटके पे बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो उन्होंने बताया और ये आपने घर को आज 18 साल से बहुत बखूबी रन कर रही है और मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है, तो वही आजकल आप लोगों से इस वीडियो में मैंने शेयर किया है दोस्तों। लेकिन फिर से मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अटपटी चटपटी को एक बार विजिट कीजिए और आप नए नए रेसिपी का आनंद उठाइए। और मैंने अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम अपने किसी फैमिली मेंबर को मिलाया है, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा वीडियो कैसा लगा। एक बार फिर से मैं विभासिस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अपने चैनल थैंक यू क्या बोलना है, ये हमारे परिवार की मेंबर है दोस्तों। और जैसे हम लोग एक फैमिली है, YT एक फैमिली है, तो आप लोग अपना प्यार अटपटी चटपटी को भी दीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग भी आइए हमारे चैनल पे, विजिट कीजिए और अच्छा लगेगा आप लोगों को, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।